वो ठीक और गलत परिणाम बताता है। ठीक ऐसे ही भगवान ने जीव को कर्म करने का अधिकार दिया है। जब आप यहाँ ठीक करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका पारितोषिक, उसका पुरस्कार आपको तभी मिल जाए। जब आप शुभ कर्म करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि उसका परिणाम आपको तभी मिले, या जब आप पाप कर्म करेंगे तो उसका दंड भी आपको तभी मिल जाए। अक्टूबर नवंबर के मास में बोई गई फसल मार्च और अप्रैल में उतारी जाती है। आज जो आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि प्रारब्ध केवल दो ही मार्ग से कटता है, एक तो उसको भोग कर काटा जाता है या किसी संत का अनुग्रह उसको काटता है। और मैं बात कर रहा था आशीर्वाद की कि हम लोग संतों से भी आशीर्वाद का व्यापार करना चाहते हैं, जबकि आशीर्वाद मांगने की वस्तु ही नहीं है और ना ही दिया जा सकता है। आशीर्वाद ऐसा नहीं है, आशीर्वाद तो एक सहज घटना है, घट जाती है। आवश्यक नहीं है कि जिसका आशीर्वाद आपको मिला हो आपका उससे परिचय भी हो, यह भी कोई आवश्यक नहीं है। क्या मालूम चलते आपकी कोई सुंदर सी क्रिया किसी संत को इतनी प्रिय लगी हो कि उसके मन में आपके उस भाव पर रीझ कर आपके कल्याण का संकल्प आ गया हो, और उस संकल्प की पूर्ति सत्य संकल्प भगवान इन सब मार्गों से करते हो। हम नहीं जानते कि आज हम जो पाते हैं वो किसका आशीर्वाद है, इतना निश्चित है कि आशीर्वाद है, किसका है ये नहीं मालूम।